अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है, किसी भी पावर को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, इसकी इनपुट 220 और 240 है और ये आउटपुट ये 24 वोल्ट दे रहा है। यानी कि पावर को कम करके कंट्रोल करके हमें किसी भी चीज को चलाने के लिए अगर 24 वोल्ट पावर चाहिए तो हम ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कॉइल होती है और मैग्नेट है इसमें, और बाकी ये ट्रांसफार्मर सिर्फ 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, लेकिन बाकी ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिसमें 12 वोल्ट भी आप ले सकते हैं, 10 वोल्ट भी ले सकते हैं और 8 वोल्ट, जितना वोल्टेज आपको कम करके चाहिए उस टाइप के आपको ट्रांसफार्मर मिल सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी पावर को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी इनपुट, यहाँ से हम इसको, यहाँ पे ये फेस है 240 वोल्ट और ये इसकी न्यूट्रल है। तो यहाँ से हम 24 वोल्ट निकाल के किसी भी रिले को ऑपरेट, जैसे एक रिले की रिले को ऑपरेट करना है 24 वोल्ट, तो हम ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और भी बाकी कितने सर्किट हैं, कंट्रोलर हैं और भी बहुत सारे सर्किट जो 24 वोल्ट पावर चाहिए होती है, जिनको उनको चलाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।